मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आर्या पार की लड़ाई में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट बुक, जो कि है मुकेश माहेश्वरी की। ये बुक खरीदने पर आपको इसके साथ दो बुक्स और निशुल्क मिलेगी मुकेश माहेश्वरी बुक की तरफ से, जो एक रहेगा आपका करेंट अफेयर, जो कि 50 रुपये कीमत पर आप इसको खरीदते हैं अगर बाज़ार से लेते हैं, पर यह इस किताब के साथ आपको फ्री मिला, जिसमें करेंट अफेयर 2020 का पूरा दे रखा है और 2021 की ये बिल्कुल अपडेटेड करेंट अफेयर्स की ये बुक है। और इसी के साथ ही आपको मिल जाता है एक मानचित्र, मध्य प्रदेश मानचित्र पर सामान्य ज्ञान है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मैं बता देता हूँ 2021 की ही बुक है, बिल्कुल अपडेटेड। मुकेश माहेश्वरी मध्य प्रदेश आर्या पार की लड़ाई बोलने का मतलब ये था क्योंकि 4000 वैकेंसीज है, इसलिए इसमें कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। इसलिए मध्य प्रदेश जीके को एक अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए हमें मुकेश माहेश्वरी जी की बुक का समय भी मिल चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम एक महीना अब आगे बढ़ चुकी है, तो हमें ये बुक्स पढ़ने का और भी समय मिल चुका है, तो ये बुक हम आराम से पढ़ लेंगे। इसके साथ अगर हम देखते हैं तो ये जो बुक है इसके साथ में जो फ्री आई थी मानचित्र वाली आधारित, इसमें आप देख सकते हैं जिले वाइज बिल्कुल दे रखा है इसमें, और बिल्कुल को नक्शे से समझा रखा है। उसी के साथ में जो पिछली एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी दे रखे हैं, और जो इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में आ सकते हैं जिनकी संभावना है वो भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये है, आप देख सकते हैं 2021 की अपडेटेड बुक है, ये मानचित्र पर आधारित सामान्य ज्ञान है। और अब बात करेंगे हम मुकेश माहेश्वरी सामान्य ज्ञान 2021 बुक की। तो ये बुक का फ्रंट कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं आप, ये फ्रंट है और ये मुकेश सर है। बिल्कुल अपडेटेड बुक है, इसमें हर एक आंकड़े को बिल्कुल व्यवस्थित सुचारू रूप से सजाया गया है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। आप इसका देख सकते हैं अनुक्रमणिका, इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य विज्ञान बिल्कुल, और आप यहाँ पर यह देख सकते हो कि पिछले कुछ सालों में किस चैप्टर से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 2012 में यहाँ से ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हो 2019 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था सामान्य जानकारी से, ठीक है। उसके बाद आप कला संस्कृति से देख सकते सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद ये मध्य प्रदेश खेलकूद से ज़्यादा आए हैं, उसके बाद ये देख सकते हैं राज्य व्यवस्था से यानी पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है कि किस लेवल से व्यापम आपके लिए पूछ रहा है, तो वही इसमें दिया गया है। और ऑनलाइन यानी कि यूट्यूब पर चैनल है, बाकी मैंने देखा यूट्यूब चैनल तो एक साल पहले वीडियो डाले थे, अभी उस पर कोई वीडियो नहीं है, ये जो लिंक दे रखी थी। तो इस मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी में आप देख सकते हैं प्रतीक चिन्ह, महत्वपूर्ण तथ्य है, पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का इतिहास, कला एवं साहित्य जो कि 55 से 94 पेज तक यह मिलेगा आपको, उसके बाद संपूर्ण भौगोलिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश संवैधानिक राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो ये रंगीन पेज सिर्फ इसमें एक ही दिखाई देगा आपको, ठीक है, उसके बाद रंगीन पेज नहीं मिलेंगे इसमें। यह बुक की बहुत अच्छी विशेषता है, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह दे देगी, यही रंगीन पेज है इसमें। उसके बाद अंदर तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल हल्के हल्के पेज है, जिन्हें अगर ज़्यादा ज़ोर से अगर फड़फड़ करें तो फट जाएंगे वो, तो बिल्कुल हल्के हल्के पेज दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, यानी कि इसको एक, वैसे भी ये बुक तो MPPSC लेवल की तैयारी करने वाले पढ़ते हैं, पर आजकल व्यापम भी कोई कांस्टेबल की एग्ज़ाम है पर फिर भी उसके लेवल के क्वेश्चन आते हैं, न जाने कहाँ से क्वेश्चन दे देता है। इसलिए इस बुक को एक बार रिविज़न करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसमें एक तो इस व्यक्त की विशेषता यह है, जैसे कि इसमें चैप्टर दे रखा था ये मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी, तो यहाँ पर आप पूछे गए प्रश्न दे रखे, इस चैप्टर से कितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये MPPSC के लिए इसमें पूछे गए थे, यानी कि तो ये आप देख पा रहे हैं 15-16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे किस आधार के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें दे रखे हैं। यूँ करके अगर ये बुक लेते, इसमें 28 चैप्टर है, तो आगे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 40-40 अगर सुनते हैं तो आपके 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक से कवर हो जाएंगे वस्तुनिष्ठ ही। उसके बाद इसमें अलग से आपको मिल जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें नोट करके इन्होंने दे रखे हैं फैक्ट, वो चीज़ भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, और इन्होंने काफ़ी एक अच्छे तरीके से दर्शा रखा है बिल्कुल चित्र के साथ, मानचित्र के साथ। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें देख पा रहे होंगे इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास,
यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं उन्होंने, बिल्कुल एक अच्छी तरीके से सजावट कर रखी हैं, जिन्हें हमें काफ़ी आसानी होगी समझने में, और मन लगाकर पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अब की बार आर्य पार की लड़ाई है, क्योंकि 4,000 वैकेंसी है, 3 साल में आई है, और पता नहीं अब फिर कब आए, इसलिए यही अपनी आखिरी और फर्स्ट भर्ती है, इसी पे अपना फोकस होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल है, और कहते हैं कि हार लो मतलब मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो इसी के साथ दोस्तों हमें तैयारी करनी है। तो इस बुक को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सटीकता से यहाँ पर वर्णन किया गया है, किसी भी जानकारी को यहाँ पर छुपाया नहीं गया है आपसे बिल्कुल। और इस बुक की एक ख़ास बात यह है कि इसमें आपको जो गलतियाँ हैं ना, कम से कम यानी कि नाम मात्र की गलती आपको मिल सकती हैं, बाकी इसमें गलतियाँ मिलने के चांस नहीं, क्योंकि मुकेश माहेश्वरी सर जो है ये इंदौर से ही है, और इनका प्रकाशन मध्य प्रदेश के ऊपर ज़्यादा फोकस है, गुरुकुल IAS ठीक है ये इंस्टीट्यूट से आते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए 23 क्वेश्चन पूछे हुए, और इधर जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे वो 17-18 क्वेश्चन पूछे गए, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें जो आने की संभावना है वो 23-25 है। इस तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से संयोजित कर रखा है, इसमें मध्य प्रदेश के 2011 के आंकड़े मिल जाएंगे आपको, और पीछे कुछ करंट अफेयर भी मिल जाएगा इसमें, और यानी कि पूरी बुक में दोस्तों 28 चैप्टर हैं। तो इन्होंने पहले दे रखा है फ्रंट पेज पे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पहले प्राथमिकता हमें उन चैप्टर को ही देनी चाहिए, जैसे कला संस्कृति, खेलकूद, मध्य प्रदेश खेलकूद, उसके बाद राज्य व्यवस्था, जो इन्होंने दे रखे थे फ्रंट पेज पे, तो हम सबसे पहले उन्हीं को ज़्यादा अपना फोकस करेंगे, उन्हीं पर टारगेट करेंगे। उसके बाद जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये तो हम सबको पढ़ना ही है, इस बुक में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, और इसके साथ में जो फ्री वाली बुक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान मानचित्र पर आधारित, उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उससे भी हम पढ़ लेंगे। यूनि समथिंग समथिंग अगर आप पकड़ो तो 2,200 2,100 2,200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और इसी के साथ इस बुक को आप परचेस करना चाहते हो तो मैंने 380 रुपये में ये बुक परचेस की है, इसके साथ में 120 रुपये की तो मध्य प्रदेश मानचित्र वाला वो निशुल्क आया, 50 रुपये का ये निशुल्क आया। या वीडियो अच्छा लगा हो पुलिस तो भर्ती लाइक करें या पार्टी ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लेकर आया हूँ।